खिड़कियां और दरवाजे घर के चाहे खुले हो या बंद, लेकिन नहीं घुसेगा घर में एक भी मच्छर। नमस्कार दोस्तों, अक्सर हम अपने घर परिवार के लोगों को मच्छर के द्वारा फैलाई जाने वाली जानलेवा बीमारियां जैसे कि डेंगू, मलेरिया और चिकनगुनिया जैसी बीमारियों से बचाने के लिए हम कई तरह के क्वाइंस, लिक्विड और टिकिया का प्रयोग करते हैं। लेकिन दोस्तों, इसमें पाए जाने वाले केमिकल मच्छर भगाने के साथ साथ आपके घर के छोटे बच्चों के लिए कितने नुकसानदायक है, ये जानकर आप हैरान हो जाएंगे। क्योंकि दोस्तों, इसमें पाए जाने वाला डी एथिलीन, मेल्फोक्विन और फोस्फिन नाम के ये तीन केमिकल इतने खतरनाक हैं कि यूरोप और यूएस के 56 देशों में से बैन किया गया है। और ये आज से नहीं, पिछले 20 साल से किया गया है। क्योंकि दोस्तों, उनका मानना है कि ये केमिकल मच्छर भगाने के साथ साथ हमारे शरीर के लिए बहुत नुकसानदेह हैं और धीरे धीरे इनका असर हमारे फेफड़ों पर होता है। अक्सर दोस्तों, हम देखते हैं कि घर में छोटे बच्चों के बिल्कुल पास में मच्छर भगाने वाला कोयल चला दिया जाता है ताकि उनको मच्छर से किसी तरह का नुकसान ना होए। लेकिन हाल फिलहाल की साइंटिफिक रिसर्च में माना गया है कि एक मच्छर भगाने वाला कोयल्स लगभग 100 सिगरेट के धुएं जितना नुकसान करता है। क्योंकि दोस्तों, इन कोयल्स का धुआं सीधा हमारी नाक से होते हुए हमारे फेफड़ों तक पहुंचता है और हमारे फेफड़ों को डायरेक्टली नुकसान पहुंचाता है। इसीलिए दोस्तों, इसे 56 देशों में बैन किया गया है। इसीलिए दोस्तों, आज हम एक ऐसा प्राकृतिक उपाय जानेंगे जो कि घर से मच्छर भगाने के साथ साथ हमारे शरीर पर किसी तरह का नुकसान नहीं पहुंचाएगा। तो चलिए ये जानते हैं इस उपाय के बारे में। यहाँ पर दोस्तों, हम दो उपाय के बारे में जानेंगे। पहला उपाय सिर्फ 10 से 15 सेकंड में ही हमारे घर से मच्छर भगाने शुरू कर देगा और दूसरे उपाय से रात भर आपके घर में एक भी मच्छर नहीं आएगा। पहले उपाय को बनाने के लिए दोस्तों, हमें यहाँ पर जरूरत होगी तेज पान के पत्ते की। यानी कि आपको तेज पत्ता लेना है। मच्छर भगाने के साथ साथ तेज पान का पत्ता हमारे दिमाग के लिए बहुत ही फायदेमंद है दोस्तों। इससे आने वाली खुशबू हमारे सिरदर्द को दूर करती है, साथ ही साथ हमारे मानसिक संतुलन को बनाए रखती है। आप यहाँ पर 2 से 3 तेज पान के पत्ते ले लीजिए और इसके बाद आपको यहाँ पर चाहिए होगा नीम का तेल। आपको यहाँ पर नीम ऑयल लेना है। नीम ऑयल दोस्तों, आपको मार्केट से सस्ते दामों पर आसानी से मिल जाएगा। आप यहाँ पर नीम का तेल लीजिए और एक कटोरी में इस नीम के तेल को डाल दीजिए। इसके बाद आप यहाँ पर लीजिए कपूर। आप बाजार से 5 रुपए में कपूर की टिकिया ले सकते हैं। आप यहाँ पर 1 चम्मच के बराबर कपूर लीजिए और उसे बारीक फोड़ कर इस तेल में मिला दीजिए। आप 1 चम्मच कपूर इसमें मिलाने के बाद आप इस तेल को अच्छे से मिक्स कर लें। आप कपूर जितना बारीक पीसेंगे उतना ही अच्छे से इसमें मिक्स हो जाएगा। मच्छर भगाने के लिए दोस्तों, आप 2 से 3 तेज पान के पत्ते लीजिए और इन पत्तों पर रुई की मदद से इस तेल की 2-2 बूंदें डाल दीजिए और इसे फैला दीजिए। अब हम यहाँ पर इस तेज पान के पत्ते को जलाएंगे और इसे जलाने से दोस्तों, आप देखेंगे कि 10 से 15 सेकंड में ही ये आपके कमरे से दोस्तों मच्छर को भगाने शुरू कर देगा। क्योंकि दोस्तों, इन पत्तों से निकलने वाला धुआं फास्ट कार्ड की तरह काम करता है, जिससे कि दोस्तों मच्छर तुरंत भाग जाते हैं। और रात भर के लिए मच्छरों को दूर रखने के लिए आपको यहाँ पर लेना होगा एक दिया। आप यहाँ पर एक दिया लीजिए और इस दिए को हम यहाँ पर नीम तेल से भर देंगे। आप चम्मच की मदद से दोस्तों इसमें नीम तेल मिला दीजिए और इसे मिलाने के बाद आपको यहाँ पर एक रुई की बाती चाहिए। आप यहाँ पर दोस्तों ध्यान रखें कि रुई की बाती को अच्छे से तेल में डुबोने के बाद ही इस दिए में डालिए। अब हम यहाँ पर माचिस की मदद से इस दिए को जला देंगे और जब तक दोस्तों ये दिया आपके कमरे में जलेगा, तब तक आपके कमरे में एक भी मच्छर नहीं आएगा। मच्छर भगाने के साथ साथ दोस्तों, ये इतना सुरक्षित है कि इसका आपको भी किसी तरह का कोई भी नुकसान नहीं है। बस आपको क्या करना है कि आप जहाँ पर सोते हैं बिल्कुल नजदीक पे इसे जला लीजिए और जलाने के 10 से 15 मिनट बाद आप घर की खिड़कियां और दरवाजे बंद कर लीजिए, जिससे कि जलाने के 10 से 15 मिनट बाद आपके घर से सारे मच्छर भी भाग जाएंगे और वो रात भर के लिए वापस भी नहीं आएंगे। और इस उपाय से आपके भी शरीर को किसी तरह का कोई नुकसान नहीं होगा। आज की जानकारी बस यहीं तक थी। पसंद आए तो उसे लाइक कीजिए और दोस्तों में भी शेयर कीजिए। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इस तरह के वीडियोस आपको मिलते रहें। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।